इस वीडियो में बात करेंगे एंड्रॉयड फोन से जीमेल अकाउंट को हमेशा के लिए रिमूव कैसे करें, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस वजह से हमें ईमेल अकाउंट एंड्रॉयड फोन से रिमूव करना होता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपके फ्रेंड्स कई बार आपके डिवाइस में अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर आप खुद भी अपने फ्रेंड्स के डिवाइस में अपना जीमेल अकाउंट यानी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं किसी काम को करने के लिए, बट बाद में उस ईमेल आईडी को लॉग आउट करना यानी कि रिमूव करना भूल जाते हैं। अब ऐसे में दोनों पर्सन को तीन तरह की समस्या फेस करनी पड़ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका जीमेल अकाउंट अगले पर्सन को पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपके जीमेल अकाउंट पर बार बार तरह तरह के मेल आते हैं, प्राइवेट मेल या फिर किसी भी तरह का मेल आते हैं, तो अगले पर्सन के मोबाइल फोन पर अब वह मेल जाता रहेगा और उनको इरिटेट होता रहेगा, मीन्स उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी बार बार मेल आने से, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अक्सर अब लोग क्या करते हैं, अपने जीमेल अकाउंट पर सिंक ऑन करके रखते हैं, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट का सिंक, आपके फोटो वीडियोज का सिंक, मतलब तरह तरह की चीजें आपके ईमेल आईडी पर सिंक होती रहती है, बैकअप होती रहती है। अब अगर आपका जीमेल अकाउंट ही दूसरे डिवाइस में लॉगिन हो रखा है, तो ऐसे में अगले पर्सन को, जिस पर्सन के मोबाइल फोन में आपका ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है, उसको भी पता रहेगा कि भाई यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे, ये सारे डाटा हमको मिल जाएंगे, इससे आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फोन से जीमेल अकाउंट को रिमूव करने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड फोन से ईमेल अकाउंट को रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सिंपल, आप लोग अपने मोबाइल फोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे, मेरे डिवाइस में दो जीमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यह जो ईमेल आईडी है ये लॉग आउट हो जाए, यानी कि हमारे फोन से हमेशा के लिए रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, और काफी सारे लोग क्या करते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पर गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, जो आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन ढूंढते हैं रिमूव करने के लिए, जबकि यहाँ पर रिमूव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे बट रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। रिमूव करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर बैक आना है और यहाँ पर फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में इसी पेज पर, मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर देखिए आपका गूगल अकाउंट दिख जाएगा। अगर सिंगल अकाउंट आपके डिवाइस में लॉगिन हो रखा है तो फिर यहाँ पर आपको वह जीमेल आईडी दिख जाएगा, गूगल अकाउंट दिख जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल अकाउंट लॉगिन हो रखा है तो यहाँ पर सिर्फ गूगल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर गूगल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपके डिवाइस में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन हो रखे होंगे सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके डिवाइस में, ठीक है, किसी का ईमेल आईडी लॉगिन हो रखा हो या फिर आपका ईमेल आईडी किसी दूसरे के फोन में लॉगिन हो रखा हो, तो उस ईमेल आईडी पर सिंकिंग ऑन रहता है, यानी कि सिंक होते रहता है काफी सारी चीजें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहता हूँ इस डिवाइस से, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, गूगल ड्राइव, इसके बाद गूगल कैलेंडर, ठीक है, इसके बाद गूगल प्ले मूवीज, बहुत सारे ऐसे चीजें जो इनेबल हो रखे हैं, यहाँ पर टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है इस ईमेल आईडी पर इन सारे चीजों का डाटा बैकअप हो रहा है, मींस सिंक हो रहा है। और ऐसे में अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी दूसरे की डिवाइस में लॉगिन हो रखा है तो उनके पास आपका सारा डिटेल्स जाता रहेगा, उनको पता रहेगा कि आपके ईमेल आईडी पर कितने फोटोज हैं, कितने वीडियोज हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने नंबर से, कौन कौन से नंबर से, कौन कौन से फोटोज वीडियोज हैं, मतलब सब कुछ अगले पर्सन को पता रहेगा। इससे आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव करने के लिए थ्री डॉट का, इस पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, सिंक नाउ और रिमूव अकाउंट। आपको करना क्या है, रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है,
इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा, इसको यहाँ पर आप रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से वह ईमेल आईडी रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लिक में रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको ईमेल में ले जाकर के दिखाता हूँ जीमेल ऐप में, वहां पर भी अब आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पर भी देखिए अब आपका एक जीमेल अकाउंट है तो आपका जीमेल अकाउंट शो कर रहा है, ठीक है। अब बैक आइए, बैक आने के बाद इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए तो अब आपके केस में आपको एक ही ईमेल आईडी दिखेगा, यानी कि एक से ज्यादा ईमेल आईडी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एंड्रॉयड फोन से अपना जीमेल अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपने जीमेल अकाउंट को किसी भी एंड्रॉयड फोन से रिमूव कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।